इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक समाजसेवी और पत्रकार स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल की द्वितीय पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि स्वरूप सेवा के कार्य किए गए। नौलखा स्थित माहेश्वरी मांगलिक भवन में सद्भावना सभा में वैश्य समाज के अलावा कई राजनीतिक हस्तियां, समाजसेवी, महामंडलेश्वर और उद्योगपतियों ने शिरकत की। वहीं गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल विशेष रूप से मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक समाजसेवी और पत्रकार स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इंदौर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वैश्य समाज के अलावा दूसरे समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं साधु संतों का जमावड़ा भी लगा। सभा में 8 महामंडलेश्वर शामिल हुए। कर्नाटक स्थित वैश्य गुरुमठ के अधिष्ठाता वामनाश्रम महास्वामी कर्नाटक से खास तौर पर पहुंचे। वामनाश्रम महास्वामी ने गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल से भेंट कर खुशी जाहिर की। श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न सियासी दलों के पदाधिकारी भी पहुंचे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुदर्शन गुप्ता और लोकसभा प्रभारी रमेश मेंदोला भी शामिल हुए। हम यही चाहते हैं कि जैसे आज रमेश जी का इस पूरे समाज के ऊपर में उनका आशीर्वाद रहा, वैसे हमारे साजी साहब जो हैं सुरेश गोयल जी रायपुर से पधारे हैं और उनका भी समाज के ऊपर में बहुत ज़्यादा उनका ध्यान है और हम चाहते हैं उनका ध्यान जीवन भर पूरे समाज पे बना रहे। इंदौर में सभी पार्टियों के राजनेता और इंदौर के सभी व्यापारिक संगठनों के अध्यक्ष महामंत्री, सभी समाजों के अध्यक्ष मंत्री, शायद पहली बारी कोई ऐसा आयोजन हुआ होगा और हमें अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे वरिष्ठ रमेश अग्रवाल जी के अभिन्न साथी और देश के प्रसिद्ध उद्योगपति आदरणीय सुरेश गोयल जी और गणेशी प्रसाद जी जो वहाँ सचिव है रायपुर के, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पधारे। वैश्य समाज की ओर से सुबह 9 बजे से नौलखा स्थित माहेश्वरी मांगलिक भवन में शेल्बी हॉस्पिटल और कल्याण ट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने कई तरह के रोगों की निःशुल्क जाँच की। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने शेल्बी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को पुरस्कृत भी किया। जो उनके विचार थे, जो उनकी सोच थी, जो उनकी दृष्टि थी इस मामले में, उसके अंदर हम कुछ अनिश्चितज्ञ या कुछ कर पाए तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। उसी को सोचते हुए आज जरूरतमंदों को स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरत है सारी चीज की, तो उसको हम आयोजन करने का प्रयास किया है। तो एक ये अच्छा आयोजन है और ऐसे आयोजन एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में सभी समाज के लोगों को ये आयोजन जरूर करना चाहिए ताकि इसके साथ सभी को फायदा हो। गरीब को तो हो, वरन एक जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती है, अपने लिए लापरवाही रहती है, उनके लिए भी ये फायदा। स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल की पुण्यतिथि पर वैश्य समाज ने उनके कार्यों को याद किया और सेवा कार्य के जरिए सच्ची श्रद्धांजलि दी। वहीं शिविर के जरिए सैकड़ों परिवारों को स्वस्थ रहने की सलाह भी दी गई। शालिनी हाडिया, IBC 24, इंदौर।